With the help of this video, we'll understand how to calculate the volume of a cylinder. So, cylindrical shape ये होता है. ये हम लोग already surface area और total surface area, curved surface और total surface के time पे देख चुके हैं. ये radius है और ये height है. So, volume of the cylinder का formula होता है pi r square h. Pi का value 22/7, r दो बार और h. फिर जिसे आप डायरेक्टली सम से स्टार्ट करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर वन, सब क्वेश्चन नंबर वन, गिवन रेडियस दे दिया 7 सेंटीमीटर और हाइट है 1.5 डेसीमीटर. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. सो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच. यहाँ यूनिट सेम नहीं है, तो यूनिट सेम करना हम इस वीडियो में नहीं बताएंगे, ऑलरेडी बहुत बार बता चुके हैं. ये खुद से डिसाइड करो डेसीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें या सेंटीमीटर को डेसीमीटर में. फिर वो वैल्यूज यहाँ पुट करना, 22/7 इंटू जो रेडियस है उसको दो बार इंटू हाइट को एक बार, फिर आंसर आएगा. सेकेंड में है गिवन एरिया ऑफ बेस. एरिया ऑफ बेस दे दिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो एरिया ऑफ बेस का मतलब क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बेस सर्कल है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर. तो ये दे दिया 154. जनरली हम लोग क्या करते हैं, आर का वैल्यू निकालते हैं, लेकिन फॉर्मूला से ऑब्जर्व करो कि पाई आर स्क्वायर तो ऐसे भी चाहिए और हाइट तो अलग से दिया हुआ है, और लिख रहे हैं हाइट इक्वल्स टू 1.5 सेंटीमीटर. तो हमको यहाँ से रेडियस कैलकुलेट करने का जरूरत ही क्या है, हम तो डायरेक्टली लिख सकते हैं वॉल्यूम इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच. पाई आर स्क्वायर के बदले लिखेंगे 154 इंटू हाइट के बदले 1.5, यूनिट रहेगा सेंटीमीटर क्यूब, फिर मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे. थर्ड क्वेश्चन है सरकमफेरेंस ऑफ द बेस दे दिया. सरकमफेरेंस दे दिया 1.32 मीटर और हाइट दे दिया 25 सेंटीमीटर. तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 132 सेंटीमीटर. अब देखो सरकमफेरेंस का मतलब होता है 2πr. तो यहां से हम लोगों को रेडियस का वैल्यू निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला में 2πr तो है नहीं. तो रेडियस निकालना खुद से ये भी हम पूरा नहीं बताएंगे, क्रिस क्रॉस करके आर का वैल्यू निकालो, और हाइट है तो फिर डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट करके वॉल्यूम निकालो. नाउ कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ डग अर्थ कैन बी डग आउट टू सिंक अ वेल इतना मीटर इन डेप्थ एंड 7 मीटर इन डायामीटर. सो डायामीटर ऑफ वेल इक्वल्स टू 7 मीटर. तो वेल का रेडियस क्या होगा, 7/2 मीटर. और एक वेल तो सिलेंडर के शेप का होता है, तो कितना मट्टी अंदर से निकलेगा, वेल का जितना वॉल्यूम है उतना ही मट्टी अंदर से निकलेगा. और यहां लिखते हैं डेप्थ इक्वल्स टू 16 मीटर. देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वेल इक्वल्स टू, पहले लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर एच, फिर लिखेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर के बदले 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट के बदले 16. ये 2 कट कर देते हैं 16 से, दोनों 2 कट हो गया, एक 7 और एक 7 कैंसिल हो गया. तो अब 22 इंटू 7 इंटू 4 करेंगे, और यूनिट क्या रहता है वॉल्यूम में, सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी यहाँ मीटर क्यूब. तो मल्टीप्लाई करके देखो आंसर क्या आ रहा है, फिर देयरफोर करके वापस लिखना. देयरफोर जो आंसर आ रहा है डैश मीटर क्यूब ऑफ अर्थ हैज टू बी डग आउट या मस्ट बी डग आउट. फिर थर्ड क्वेश्चन है रेडियस. ओके फर्स्ट हम पहले फोर्थ क्वेश्चन करते हैं. फोर्थ क्वेश्चन है रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल ऑयल कैन इज 4 मीटर. रेडियस दे दिया, हाइट निकालना है. लिखा है इफ इट कैन होल्ड 1408 किलोलीटर्स ऑफ ऑयल. वो कितना होल्ड करेगा, तो वो उसका वॉल्यूम होगा. तो यहां लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ऑयल कैन
इक्वल्स टू 1408 kL, किलो लीटर्स। थोड़ा सा यहाँ कन्वर्जन यूनिट सीखना होगा। 1 m³ इक्वल्स टू 1000 L होता है, ये मेन यूनिट है। फिर 1000 के बदले हम लोग किलो लिख सकते हैं, तो 1 m³ इक्वल्स टू 1 kL भी होता है, किलो लीटर। तो ये है दूसरा। एक और कन्वर्जन यूनिट है, 1000 cm³ इक्वल्स टू 1 L। तो ये 3 कन्वर्जन यूनिट याद रखना। तो अब क्या है, यहाँ पर दे दिया किलो लीटर में, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1 kL और 1 m³ एक होता, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1408 m³। तो मीटर क्यूब में आ गया। अब हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं और यहाँ लिखेंगे रेडियस ऑफ कैन इक्वल्स टू 4 m। लेट द हाइट बी एक्स या एच लिख देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 1408। पाई के बदले 22/7 इंटू आर स्क्वायर के बदले 4 × 4 इंटू हाइट के बदले एच। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइट आ जाएगा। तो यूनिट का बहुत वैल्यू है, यूनिट कैसे सेम रखा जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, डायामीटर दे दिया, उससे रेडियस निकल जाएगा, और हाइट दे दिया, डेप्थ दे दिया। हाउ मेनी किलो लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। तो पहले आंसर तो मीटर क्यूब में आएगा, तो जितना मीटर क्यूब है, सपोज आंसर आएगा, सपोज 50 m³ आ रहा है, तो इसी को देखकर हम 50 kL लिख देंगे, किलो लीटर, सिंस 1 m³ इक्वल्स टू 1 kL। तो ये कन्वर्ट हो गया, क्योंकि इसके लास्ट में बोल दिया हाउ मेनी किलो लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। तो एक बार कन्वर्ट करके दिखाना होगा, तो ये खुद से ही करना है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5। द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर आर इन द रेशियो 5:7। उसका वॉल्यूम दे दिया, फाइंड इट्स रेडियस। सो सबसे पहला स्टेप होता है रेशियो के क्वेश्चन में, लेट द कॉमन नंबर। सो लेट द कॉमन नंबर बी एक्स, देयरफॉर रेडियस पहले लिखा है रेशियो के लिए, तो रेडियस होगा 5x और हाइट होगा 7x। गिवन वॉल्यूम इक्वल्स टू 550 cm³। तो वॉल्यूम के बदले क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू यहाँ 550। अब पाई के बदले 22/7 इंटू आर स्क्वायर के बदले 5x इंटू 5x इंटू हाइट के बदले 7x। अब क्या होगा इन सब में, x x और x तो x क्यूब हो जाएगा, और ये जो भी साथ में 5 और 7 है, सब तो मल्टीप्लाइड फॉर्म में है और बीच में भी मल्टीप्लिकेशन है, तो ये सारा नंबर नीचे चला जाएगा। तो अगर इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे तो वो इस तरह से लिखाएगा, यहां पर लिखेंगे x क्यूब और यहां पर होगा 550 इंटू 7 ऊपर जाएगा बाय 22, 5 और 7 नीचे आएगा। 7 कैंसिल हो गया, ये दोनों नंबर को 11 से कट करते हैं, 11 × 2 = 1150। 5 से गया 10, फिर 5 से गया 2 पे, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो x क्यूब का आंसर आया 1। तो इसका मतलब x क्या होगा, क्यूब हटाने के लिए सामने में क्यूब रूट देते हैं, तो x का आंसर भी आ गया 1। देयरफॉर रेडियस था 5x, इसका मतलब 5 × 1 5 m, और हाइट होगा 7x, मतलब 7 × 1 7 m। बहुत सिंपल होता है सम्स। क्वेश्चन नंबर 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द थिकनेस ऑफ हॉलो मेटेलिक सिलेंडर इज 2 cm। इफ देखो, जब थिकनेस बोलता है एक हॉलो मेटेलिक सिलेंडर का,
तो मतलब अंदर में दो सिलेंडर होता है, एक ये रहा और एक अंदर में, जैसे एक पाइप होता है ना, अंदर से हॉलो भी है लेकिन दो सिलेंडर बनता है, एक बाहर का एक अंदर का, वही चीज है ये सेम। तो इसका थिकनेस है 2 सेंटीमीटर, मतलब यहां से यहां है वो 2 सेंटीमीटर। इट इज 35 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब हाइट है 35 सेंटीमीटर। एंड इट्स इनर रेडियस इज 12 मीटर। इनर रेडियस को हम लोग स्मॉल आर ले लेते हैं, 12 मीटर। तो देखो इनर रेडियस मतलब यहां से यहां तक है 12, तो आउटर रेडियस क्या होगा, बीच वाले पॉइंट से इस एंड तक, मतलब 12 + 2 = 14। सो लिखते हैं यहां पर हाइट कॉमा एच इक्वल्स टू 35 सेंटीमीटर, थिकनेस इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, फिर इनर रेडियस कॉमा स्मॉल आर इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, फिर लिखेंगे आउटर रेडियस कॉमा कैपिटल आर इक्वल्स टू इनर रेडियस प्लस थिकनेस, तो 14 सेंटीमीटर। अब बोला है इस मेटल को, इस पाइप को जो सिलेंडर है उसको बनाने में कितना वॉल्यूम ऑफ मेटल चाहिए। तो अगर ये एक इमेजिन करो ये सिलेंडर है और इसी तरह से हॉलो है, तो इसको बनाने के लिए कितना मेटल चाहिए, तो ये जो बाहर वाला सिलेंडर है इसका वॉल्यूम माइनस अंदर वाला वॉल्यूम, क्योंकि अंदर वाला तो खाली हो गया ना इसलिए माइनस होगा। तो हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ मेटल रिक्वायर्ड इक्वल्स टू आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। दोनों शेप क्या है, सिलेंडर ही है, तो आउटर वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर के बदले कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। देखो बुक में क्या करता है, पाई और एच को कॉमन ले लेता है, दोनों तरफ है ना, तो पाई और एच को कॉमन ले लेंगे, तो यहां क्या बच रहा है कैपिटल आर स्क्वायर माइनस यहां बच रहा है स्मॉल आर स्क्वायर। तो पाई के बदले 22/7 इंटू हाइट है 35, कैपिटल आर स्क्वायर 14 का स्क्वायर और फिर 12 का स्क्वायर। सो ये 5 से कट गया, सो 22 इंटू 5 14 square 196, 12 square 144। ये यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 110 इंटू 196 माइनस 144 52, यूनिट रहेगा मीटर क्यूब, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये याद रखना है कि जब ये हॉलो पाइप वाला क्वेश्चन आता है और वॉल्यूम निकालना है तो आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम होगा। इसी तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ब्रेन टीजर्स में है जो बाद में करवाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसको अलोंग द लेंथ हम लोग रोल कर रहे हैं, शीट का लेंथ इतना है विथ इतना है, अ सर्कुलर शीट ऑफ पेपर इज अटैच टू द बॉटम, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द सिलेंडर। मतलब इस रेक्टेंगल को अगर हम लोग फोल्ड करते इस तरह से तब तो वो नीचे से खुला रह जाता ना, तो यहाँ पर वही बोला है कि नीचे से खुला नहीं है, नीचे में हम लोग बेस में एक पेपर लगा दिया, तो अब इसका कैपेसिटी निकालो मतलब वॉल्यूम निकालो। तो पहले हाइट और रेडियस निकालेंगे, तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि एक रेक्टेंगल से सिलेंडर बनता है तो कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जो इसका विड्थ है 32 सेंटीमीटर वो सिलेंडर का हाइट बन जाता है, और ये जो इसका लेंथ होता है ये उसका सर्कमफेरेंस बन जाता है। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस, फिर लेंथ के बदले 33, सर्कमफेरेंस के बदले 2 पाई आर,
यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके रेडियस का वैल्यू निकल जाएगा 2 × 22/7 इंटू आर, क्रिस क्रॉस करके निकल जाएगा, और हाइट तो पता है 32, तो फिर वॉल्यूम निकाल लेना पाई आर स्क्वायर एच, और यूनिट में याद से सेंटीमीटर क्यूब रखना. सो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 तक ही सॉल्व करना है.